महेश मूलचंदानी, आप देख रहे हैं हमारे साथ थाने सरकार न्यूज। महाराष्ट्र में 28 मार्च से महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री रविवार के रात 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती और अधिक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र के सभी शॉपिंग मॉल रात 8 बजे से सवेरे 7 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना को लेकर जारी नियमों का पालन नहीं किया तो सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज राज्य के सभी जिला अधिकारी, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरी इच्छा लॉकडाउन लागू करने की नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के वजह से अस्पतालों पर क्षमता से अधिक भार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल में बेड और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। बता दें कि कल ही यानी शुक्रवार को पहली बार ऐसा हुआ जबकि दिन में सबसे अधिक करीब 36,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। राज्य में अब तक 26,833 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उनमें से 53,795 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। इसलिए शहर की जनता को हम अपने ओर से निवेदन करते हैं कि आप नाइट कर्फ्यू का पालन करें। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के मामले को अगर हमें अंकुश लगाना है तो हमें नियमों की पालना करनी है। इसलिए आप सभी को निवेदन करते हैं कि नियमों की जरूर पालना करें।